हाँ हाँ इंडिया से तो थी, इंडिया से तो थी, लेकिन कंट्रोवर्सी है आप पे कहीं पे इंडिया का नाम लिखा, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन पॉइंट ये है कि इंडियन थी या नहीं थी, इनके एग्जिस्टेंस पे सवाल है। Hey guys, what's up, क्या हाल है आप लोगों के? गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं आपको कोरिया के बारे में बताता हूँ, क्योंकि कोरिया में 9 साल से रह रहा हूँ, तो कोरिया के बारे में, कोरियन सोसाइटी के बारे में, कोरियन लोगों के बारे में बताता हूँ। लेकिन मैंने रियलाइज कराया कि यार मैं ना आपको कोरिया नहीं दिखाता कि इधर ये देखो उधर वो देखो, समझ रहे हो ना, वो टूरिस्ट टाइप। तो अब से मैंने डिसाइड किया कि आपको मैं दिखाऊंगा कोरिया अपनी नज़रों से। टूरिस्ट लोग आते हैं वो दिखाते हैं, उनकी नज़र अलग होती है, लेकिन हम रेजिडेंट हैं, कोरिया में रहते हैं हम, तो हमारी नज़र ना, हमारा जो हम बोलेंगे वो अलग हो शायद। लेकिन आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हो, ये कुछ महल टाइप का या कुछ तो है, मंदिर टाइप का। तो आज मैं जा रहा हूँ, ये दिखाऊंगा आपको, आपने मेरी बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा ये बैकग्राउंड में। तो वी आर गोइंग टू दिस प्लेस, एंड दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस। वाई? क्योंकि भाई इस जगह का ना और इंडिया का बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना नाता, मतलब जब हम नहीं थे तुम नहीं थे। चलिए आज मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, आपको बताऊँगा कि क्या नाता है, कैसे नाता है, और क्यों क्यों कोरियन बच्चे जो है ना इंडिया के बारे में अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लेट्स सी। तो भाई ये है किंग सूरो का टॉम। किंग सूरो हमारे दादाजी हैं, किंग सूरो कोरियन जो किंग थे ना, हमारे दादाजी हैं। कैसे दादाजी हैं वो भी आपको बताऊँगा बहुत जल्दी। पहले क्या होता था, पहले ना यहाँ पे टिकट लगती थी, अब यहाँ पे टिकट नहीं लगती। अब भाई यहाँ फ्री में आओ, फ्री में जो भी अपना वीडियो बनाना है या फिर देखना है वो देखो। वांग घोड़े से खाए थे, छाता का वस्त्र है ये। खमसा मिदा। तो भाई ये जो है ना, ये हमारे मतलब दादाजी का मकबरा, टूम कह लो, और हमारी दादी जी, इंडियन दादी जी, जो 2000 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं मतलब 1000 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 2000 साल पहले, तो उनका जो है ना वो 2 किलोमीटर दूर है, तो कार चला के, गाड़ी चला के जाना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, हम चले आएंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बहुत बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, ऐसी नहीं है कि मतलब ऐसी सी, मतलब ऐरी गरी सी जगह है, बहुत ऐतिहासिक जगह है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये देखो ये क्या है, ये कितना ही मतलब मास्टरपीस ही लग रहा, ज़बरदस्त मास्टरपीस है। और ये एक्चुअली में क्या है ये बताऊँगा मैं आपको वीडियो के एंड में, और जो आप समझोगे ना, सुनोगे ये क्या है, आप शॉक हो जाओगे। और ये मेरे पीछे जो है ना, हमारे दादाजी सूरो किंग, किंग सूरो जो बहुत ही फेमस किंग थे साउथ कोरिया के, बहुत साल पहले चोसन था उसका नाम, साउथ कोरिया को पहले चोसन कहते थे। तो उनके किंग का जो है मकबरा, मतलब यहाँ पे उनको दफनाया गया था। लेकिन मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि भाई इन्होंने शादी करी थी इंडियन प्रिंसेस से, और इंडियन प्रिंसेस का नाम था सूरी रत्ना। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी होगी, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन एक चीज़ ना आपने नहीं सुनी होगी, एक चीज़ आपने बिल्कुल नहीं सुनी होगी, वो क्या है, एक कंट्रोवर्सी है इनके साथ, जो इन्होंने, जो कोरियन किंग ने जो शादी करी थी इंडियन प्रिंसेस से, उसके साथ ना एक कंट्रोवर्सी जुड़ी है। क्या कंट्रोवर्सी जुड़ी है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई सच में शादी हुई थी, इंडिया से आई थी वो सूरी रत्ना प्रिंसेस, अयोध्या से, अयोध्या नहीं कहते वो, अयोध्या कहते हैं, अयोध्या। तो अयोध्या जो है कहीं समवट सिमिलर है अयोध्या से, तो हाँ भाई अयोध्या से आई थी। और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं भाई अयोध्या से नहीं आई थी, इंडिया से भी नहीं आई थी। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई अयोध्या से नहीं आई थी, तमिल से आई थी, साउथ इंडिया से आई थी। तो क्या है इसका राज, मैं आपको बताऊंगा जब हम पहुंचेंगे क्वीन के पास, हमारी दादी जी के पास, जिसके लिए हमको गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो गाइस अब हम आ गए हैं क्वीन हियो के टॉम पे। ये क्वीन हियो जो है ना, इनका नाम था सूरी रत्ना, मतलब इंडिया से हैं ये, ऐसा कहा जाता है कोरिया में। आप ये पढ़ लो, इसकी फोटो में डाल देता हूँ और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो वो जो सामने है ना, सामने वो है हमारी क्वीन, हमारी दादी जी और कोरिया की दादी जी, क्वीन हो सूरी रत्ना का टॉम, यहाँ पे उनको दफनाया गया था।
मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ना कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई इंडिया से नहीं आई थी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कोरियन, आजकल जो है ना कोरियन लोग कहने लग गए हैं कि कोरिया से ही थी, इंडिया से नहीं आई थी। बट इस चीज़ को ना, इस चीज़ को जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है वो ये पत्थर है। ये पत्थर क्या है, ये पत्थर देख रहे हैं आपको, ये जो पत्थर है ना, ये रानी सूर्यरत्ना, प्रिंसेस सूर्यरत्ना उस टाइम 2000 साल पहले जो लेके आई थी, शिप से आई थी। मैं भी सोचा था, जब मुझे एक अंकल ने बोला कि यहाँ की वीडियो क्यों बनाता तू, कोरियन अंकल ने, तो मैं भी सोचा था, मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि भाई कैसे आ सकती हैं 2000 साल पहले, मतलब क्या रिलेशन था इंडिया एंड कोरिया का, जिसका आंसर कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी के बीच में, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच में ये पत्थर जो है ना, ये पत्थर आए लेके आई थी वो अपनी बोट में या शिप में। ये पत्थर क्यों आए थे, ताकि जो विंड है ना वो शांत हो जाए। तो ये जो पत्थर है ना, ये बस इंडिया में मिलते हैं। तो ये तो हो गई पहली कंट्रोवर्सी, यहाँ भाई आई थी इंडियन की थी या फिर कोरियन थी या फिर किसी और कंट्री की थी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अयोध्या से थी, अयोध्या मतलब लोग कह रहे हैं कि अयोध्या जो आजकल हमारे श्री राम जी जहाँ जन्मे थे वहाँ से हैं। तो एक इंडियन मतलब हिस्टोरियन ने कहा कि ये अयोध्या से नहीं आई थी, ये तमिल से आई थी, जिसको कुछ लोग कोरियन में भी मानते हैं कि हाँ भाई तमिल से आई थी। लेकिन पॉइंट ये है कि इंडियन थी या नहीं थी, इनके एग्जिस्टेंस पे सवाल है। क्यों सवाल है, क्योंकि इनका ना, जो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, इनका एग्जिस्टेंस इंडियन बुक्स में नहीं है, हिस्ट्री बुक्स में नहीं है, इंडियन हिस्ट्री बुक्स में इनके बारे में नहीं बताया गया, रानी सूर्यरत्ना के बारे में। तो पहले तो आप ये टूम देख लो, यहाँ पे हमारी दादी जी हैं। कोई कोरियन लौंडा या लौंडिया हमारे इंडिया के बारे में कुछ गलत बोलता है तो कहते ना कि तुम्हारी दादी से शिकायत कर देंगे हम। ये देखो टूम ऑफ क्वीन हो। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब कंट्रोवर्सी नंबर दूसरी, एक्चुअली तो सूरो जो किंग, इनके जो हस्बैंड थे, इनके बारे में जिसने लिखा है ना, क्या नाम था, सामग्यो क्यूसा, वो एक्चुअली फेमस था फिक्शनल कैरेक्टर्स लिखने के लिए। तो उसने ये लिखा है कि वो जो किंग थे वो 157 ईयर्स जिए थे। तो बहुत लोग कहते हैं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जीने वाला कोई किंग था कोरिया का, वो 97 जिया था। तो ये 157 कैसे जी लिए कोरिया में ना, मतलब ये जो रानी सूर्यरत्ना है उनके बारे में जब भी बात होती है, तो ये जो पिक्चर है ये जरूर दिखाई जाती है कि हाँ भाई इंडिया से कोरिया किस रास्ते से आई थी वो। लेकिन कुछ नए नए ढल्ले हिस्टोरियंस कोरिया के, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया से नहीं आई थी, ये आई थी या तो ईरान से या फिर इराक से। क्या जवाब है भाई, हमें मतलब क्रेडिट देना ही नहीं है, हमें एक पैसे का क्रेडिट मत दो, तुम रख लो, हमारी दादी भी तुम रख लो, बट कुछ भी कहो शांति जबरदस्त है यहाँ पे। तो भाई दो कंट्रोवर्सी हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोरियंस क्या समझ रहे हैं ज़्यादातर। देखो मैं आपको बताता हूँ, बचपन में मतलब शायद ये मिडिल स्कूल में होते हैं कोरियन बच्चे, टेक्स्ट बुक में ना हमारी प्रिंसेस, हमारी रानी सूर्यरत्ना का जिक्र है। और यही नहीं, शायद 2019 या 2020 में कोरिया की जो फर्स्ट लेडी थी उस टाइम की, उन्होंने अयोध्या में ना शिलान्यास किया था मेमोरियल का, हमारी रानी सूर्यरत्ना के मेमोरियल का अयोध्या में, इंडिया में। वैल यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ, यहाँ कीचड़ जैसा हो रखा है, इससे पहले कि सांप बिच्छू दिख जाए मुझे, मैं भागता हूँ यहाँ से। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि हाँ भाई ये जो रानी थी तुम्हारी, हो हमारी सूर्यरत्ना, वो इंडिया से थी या नहीं थी। वो कह रही है साफ सीधा भाई इंडिया से थी, हमने तो बुक्स में पढ़ा है, और इस पर तो ड्रामा बन चुका है, कोरियन ड्रामा इसी कहानी के ऊपर। लेकिन जब मैंने इंटरनेट पर सर्च करा तो हर जगह हाँ इंडिया से तो थी, लेकिन कंट्रोवर्सी है इसमें ना, कुछ मतलब क्लैरिटी नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। जी छोगी कहाँ मिलते हो, छोगी कहाँ मिलते हो, कुन्यांग भोरो, ये खमसामिदा। ये तो हो गया टॉयलेट, बहुत बढ़िया बनाया तुमने। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बंद है यहाँ पे, सब कुछ बंद है।
जगह ऐसी लग रही है, गाँव में नहीं होता था कि हाँ भाई बैठ जाओ, बहुत मस्त जगह है। एक्चुअली में ये जो है ना जगह, ये है गिमे में। गिमे मतलब बुसान, बुसान के मतलब बुसानी कह लो इसको, तो ये गिमे में है। अब गिमे का बताऊँ क्या सीन है, गिमे में ना आपको कोरियन से ज़्यादा फॉरनर्स दिख जाएंगे, कोरियन से ज़्यादा फॉरनर्स दिख जाएंगे, ये पक्की बात है। और गिमे में ना एक जगह है गया, अपने है नहीं गया अपने इंडिया में, सेम गया, गया यूनिवर्सिटी सब कुछ मतलब पूरा वही है। कुछ भी राय बनाने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी कंट्रोवर्सी में जाने से पहले, हम वो जो पत्थर दिखाया था ना आपको, वो जो पत्थर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा है, ये आया था फार वे कॉल्ड अयोध्या, अयोध्या बाय यो वांग। इसमें कहीं पे भी ना इंडिया का नाम नहीं लिखा, बट वहाँ पे लिखा था कि इंडिया, बट यहाँ पे कहीं इंडिया का नाम नहीं लिखा कि हाँ भाई ये है कि ये पत्थर कोरिया में नहीं पाया जाता, ये फॉरेन कंट्री से है। बट जो मैंने सुना था, जो मुझे अंकल ने बताया कि हाँ भाई वो पत्थर जो, ये पत्थर जो है बस इंडिया से आया है, मेरी वाइफ ने कहा कि ये पत्थर बस इंडिया से आया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे इंडिया का नाम नहीं लिखा। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं, तो यहाँ लिखना चाहिए इंडिया का नाम मेरे हिसाब से। यहाँ पे चुप रहने को कहा है, चुप रहने को। इस जगह पे कुत्ते लाना मना है भाई, तो अगर आप कोरिया में हो कुत्ता लेके आना चाह रहे हो तो भाई कुत्ते लाना मना है। बट हाँ यहाँ पे पार्किंग है, फ्री पार्किंग, तो पार्क कर लो, बट मुझे लगता नहीं है जगह आपको मिलेगी। एनीवेज एक चीज़ तो पता चल गई, मतलब 100% पता चल गई कि इंडियन लड़कियाँ आज से नहीं, मतलब 2000 साल पहले से ना कोरियन लड़कियों पर मरती हैं या फिर उनको लाइक करती हैं। और ये जो हमारी रानी सूर्यरत्ना की जो कहानी है ना, इसको ना वो करती है, स्टैम्प लगा देती है, ठप्पा लगा देती है, हाँ भाई ये सच है। बट ये बहुत ही स्ट्रेंज है और बहुत ही ना वैसा है अचंभित करने वाला कि 2000 साल पहले भाई, जब मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था कि मैं इतने क्लोज पढ़ता हूँ, मतलब मेरी जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ ना, जहाँ क्लासेस होती है उसके 2 मिनट दूरी पे, ठीक है। तो आई डिडंट नो कि इंडियन मतलब हमारी दादी, दादी जान, हमारी दादी माँ यहाँ पे आई थी। बट मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से बहुत हद तक ना ये सच भी है, और बहुत हद तक ना ये कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल मतलब वही आपको बता दिया कि हाँ भाई एज इतनी ज़्यादा कैसे हो गई, और फिर यहाँ के कोरियन लोग आजकल कहने लग गए आजकल कि भाई ये तो इराक से थी, ये तो इधर उधर से थी। और एक और तो थाईलैंड में भी एक जगह है अयोध्या करके, थाईलैंड में, तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन भाई है तो हमारी दादी माँ यही हैं, और कोरिया की भी। तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हाँ भाई क्या है ये बताओ, तो वीडियो के एंड में बता रहा था मैं, तो ये एक्चुअली ना ये है कितना जबरदस्त है ना, ये है डस्टबिन। बारिश बहुत ज़्यादा होने की, बहुत ज़्यादा बारिश। तो गाइस आपको क्या लगता है, ये सच है या झूठ है, मतलब कंट्रोवर्शियल है या फिर सच्ची कहानी है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। आप मुझसे ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, आप मुझे बिल्कुल आप लोगों पे भरोसा है, रिसर्च करो, मुझे बताओ कि क्या क्या कंट्रोवर्शियल है, क्या क्या जो है झूठ हो सकता है और क्या क्या सच हो सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। और आप ये देखोगे ना ऊपर बिल्कुल गेट पे ये बना हुआ है त्रिशूल टाइप का, वेरी गुड। और यहाँ पे आपको टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन इन यहाँ के बारे में या फिर पूरे गिमे के बारे में। तो आप जब भी अगर आओगे गिमे में तो ज़रूर जो है ना रानी सूर्यरत्ना के टोंपे आना, मैं जो कोरियन नाम है ना उसे लिख दूंगा कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में। और आप टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन पे भी सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मतलब आई वॉज वेरी टच्ड एंड आई वॉन्टेड यू टू सी। एंड सच्ची बोलूँ, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना, चल रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, तो ना एक प्राउड सी फीलिंग है कि हाँ भाई तुम्हारी दादी के ना घर से आए हैं, मायके से। तो सीरियसली ये फीलिंग आ रही है अंदर से, ये लोग ना अरे इंडिया से आया है, कैसा है कैसा है।